गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परेशान। दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार एक नए ट्रैवल ब्लॉग में स्वागत है। पिछली बार मैंने जोधपुर के ऊपर ट्रैवल ब्लॉग बनाया था और उसके ऊपर चार वीडियो बनाए थे। सभी वीडियो के ऊपर आप लोगों ने बहुत ही ढेर सारे व्यूज दिए, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, बारीक से बारीक जानकारी उस सिटी के बारे में, उस सिटी के एक एक गली के बारे में, कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ अच्छा रहने को है, कहाँ अच्छा घूमने को, सब कुछ मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ। तो पिछली बार के वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उस पर ढेरों लाइक शेयर और कमेंट मिले हैं और उस वीडियो के बाद में मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़े हैं, तो मैं तमाम सब्सक्राइबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि वैसा ही वीडियो इस बार मैं बनाऊंगा उदयपुर के ऊपर 3 नाइट्स के लिए, और उसके बाद 2 नाइट्स का वीडियो बनेगा माउंट आबू के ऊपर, और सारे वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप उस वीडियो को बहुत बहुत लाइक करें, शेयर करें और पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओके दोस्तों, इस वक्त एयरपोर्ट से ओरिका होटल जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त भूख लगी थी तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पे JMB शॉप कहाँ पे है, जहाँ की कचौरी, प्याज कचौरी और मिर्ची वड़े बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया, प्याज कचौरी और मिर्ची वड़ा खा के फिर हम यहाँ से ओरिका होटल की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह की प्याज की कचौरी और मिर्ची वड़ा यहाँ मिलता है। आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आज पूरा दिन मैंने मॉर्निंग, जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी प्रॉपर्टी ओरिका प्रॉपर्टी को शूट किया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि ओरिका प्रॉपर्टी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है उदयपुर में, अगर आपको 2-3 दिन 4 दिन के लिए अगर स्टे करना है तो। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो एक्चुअली कोविड के चलते ये प्रॉपर्टी आपको बहुत कम रेट में मिल रही है। और तीसरी बात अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ओरिका प्रॉपर्टी के जो रूम्स हैं, 6 कैटेगरी के इसमें रूम्स है, और इसका जो बेस कैटेगरी का रेट जो रूम है, और सबसे जो पहला बेस कैटेगरी का जो रूम है, वो रूम भी इतना खूबसूरत है कि मैं आपसे क्या कहूँ। डिलक्स रूम से वो कम नहीं है, और करीब करीब जब आप ऑनलाइन में इसके रेट चेक करोगे तो उस रूम के रेट आपको booking.com पे, मेक माई ट्रिप पे और दूसरी भी गोवा वीगो पे वगैरह में उस रूम के रेट आपको करीब करीब 18 से 20 हज़ार रुपये ओनली विद ब्रेकफास्ट, ओनली ब्रेकफास्ट जिसमें इंक्लूड है। पर अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो और उनसे इसका रेट चेक करोगे, जैसे कि मैंने क्लासिक हॉलीडेज़ के थ्रू ओरिका को बुक किया था तो मुझे बहुत ही अच्छी डील मिली थी, और मुझे ओरिका का जो पैकेज है वो 12,000 रुपीज़ में पर डे, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूड है, बहुत ही बेहतरीन डील मिल गई। दोस्तों कोविड के चलते आपको ये डील मिल रही है, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा और कोविड के पहले भी अगर मैं आपसे कहूँ तो यही रूम जो है 25-30 हज़ार से कम आपको कभी मिल नहीं सकता था। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये बहुत अच्छी बेहतरीन डील है, जब भी आप उदयपुर आओ तो ओरिका में स्टे कीजिए। और ओरिका के बारे में और भी कहूँ तो सर, ये प्रॉपर्टी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल पहले ये प्रॉपर्टी बनी है, 2019 में ये प्रॉपर्टी पूरी नई बनी है, और रूम्स, सारे रूम के इक्विपमेंट्स, सारी एक्सेसरीज सब कुछ नई है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें आपको स्विमिंग पूल है, फिटनेस रूम है, जिमनेशियम है, इंडोर गेम्स भी है, काफ़ी सब कुछ है, लेकिन कोविड के चलते स्विमिंग पूल और फिटनेस रूम वगैरह ये सब बंद है। लेकिन मैंने इस होटल का चप्पा चप्पा शूट किया है ताकि मैं आपको ये पूरे होटल का एक वर्चुअल टूर करा सकूँ मेरे साथ में। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये होटल का पूरा वीडियो जो मैंने शूट किया पसंद आएगा, और पसंद आने पर इसे आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ के ओरिका के बॉल रूम में हूँ, जहाँ पे शादी के लिए आप इसे बुक कर सकते हो। करीब करीब 250 लोगों की कैपेसिटी इस बॉल रूम के अंदर है और 250 लोगों की कैपेसिटी इस बॉल रूम के बाहर है, जहाँ पे आप डिनर का अरेंजमेंट कर सकते हो। जगह बहुत ही स्पेशियस है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, तो मैंने इसका भी एक वीडियो शूट किया और मैंने आपके लिए ये वीडियो अपलोड किया। जब कभी भी आपको डेस्टिनेशन वेडिंग के अगर मूड में हो, तो आप क्लब ओरिका रिसोर्ट में 400 पीपल मैक्सिमम के लिए आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग का अरेंजमेंट प्लानिंग कर सकते हो।
दोस्तों इस वक्त मैं ओरिका में आ चुका हूँ और ओरिका के रूम में चेक इन कर चुका हूँ। आपको मैं ओरिका के रूम से जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी रूम है वो मैंने चूज़ किया है और वो भी इतना खूबसूरत है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना ब्यूटीफुल रूम है। आइए मैं आपको इसके फर्स्ट कैटेगरी रूम जो मैंने सिलेक्ट किया है उससे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। ओरिका आने के लिए सबसे पहले मैं आपको मेरी तरफ से आपको एक आध दो सलाह दे देता हूँ। जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी मिलती है आपको और साथ ही कई लोकल टैक्सी वाले भी वहाँ खड़े होते हैं जो आपको ओरिका ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन समझाने वाली बात यह है कि जब आप टैक्सी बुकिंग के लिए बाहर आते हो और आपको यहाँ पे ओला उबर का भी एक अच्छा ऑप्शन है। उबर में करीब करीब 650-700 रुपये तक का आपको यहाँ का ट्रैवलिंग एक्सपेंस आता है जबकि वहाँ के लोकल टैक्सी वाले आपको 1200-1500 फिर बार्गेनिंग करते हैं और जो प्रीपेड टैक्सी है उनका भी रेट यहाँ पे 1180 रुपये का रेट था। तो ऑप्शन सबसे अच्छा है यहाँ पे पहुँचने के लिए ओला और उबर। और अगर आपको लेट हो रहा और किसी कारण संजोग से ओला उबर टाइम पे नहीं आती है तो जो लोकल टैक्सी वाले हैं वो यहाँ पे फुल ऑन बार्गेनिंग करते हैं। 1200 रुपये मुझे कहा था और फिर लास्टली 700 रुपीज़ में स्विफ्ट डिज़ायर में उन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे जब भी आए तो ओला उबर ट्राई कीजिए और प्रीपेड टैक्सी में मत जाइए और लोकल टैक्सी वाले अगर आप करते भी हो तो उनसे फुल ऑन बार्गेनिंग कीजिए, मुंह मांगा पैसा उन्हें मत दीजिए और अपने पैसे की बचत कीजिए। दोस्तों इस वक्त बोटिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह जो मैंने चूज़ की है, मैंने यहाँ पे पूछा है तो मुझे सबने बताया कि फतेह सागर एक बहुत अच्छी जगह है। फतेह सागर से बोटिंग के लिए बहुत अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पे और सनसेट के लिए एक यहाँ ही पास पे एक अच्छा सा फोर्ट है जहाँ से बैठ के हम लोग जा सकते हैं सनसेट व्यू के लिए, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल बोटिंग के लिए आऊँ तो बोटिंग का आपको मैं पूरा वीडियो शूट करके बताऊँगा मैं आपको। बोटिंग आधे घंटे मज़े लेने के बाद हम लोग यहाँ से सीधे भी जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी जो कि यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। तो मैंने फिर से मेरे कार बुक की है उबर को जो कि यहाँ से करीब 5 मिनट का रास्ता है। तो हम सीधे यहाँ से सहेलियों की बाड़ी जा रहे हैं और इस वक्त सहेलियों की बाड़ी के जाने का एक और मज़ा ये है कि वहाँ पे सनसेट होने वाला है तो लाइट्स बहुत अच्छी होगी और वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, सीनिक ब्यूटी है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वहाँ जाके थोड़ी फोटोग्राफी का मज़ा लिया जाए और सीनिक ब्यूटी का भी मज़ा लिया जाए। दोस्तों जब कभी भी अगर आप उदयपुर आओ तो सहेलियों की बाड़ी मिस मत करना। मैं सहेलियों की बाड़ी करीब करीब 15 से 20 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था 10th या 11th स्टैंडर्ड में था तब मैं आया था, तो थोड़ी थोड़ी मेमोरीज मुझे याद है सहेलियों की बाड़ी कैसी थी क्या थी करके। लेकिन आज फिर
15 से 20 साल बाद में जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ फिर से उस जगह को देखने के लिए, वहाँ की सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए, और वहाँ बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो उधर का भी वीडियो शूट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज का डे वन बहुत ही हेक्टिक था। सुबह 7 बजे से मैं उठा हुआ हूँ और कंटिन्यूस ट्रैवलिंग हो रही है। 7 बजे से फिर उठ के करीब 11:40 की मेरी फ्लाइट थी, तो कैब पकड़ के एयरपोर्ट से फिर उदयपुर से फिर 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं ओरिका रिसोर्ट पहुँचा हूँ। और उसके बाद मैं 1 घंटे का ही मैंने ब्रेक लिया और तुरंत उसके बाद मैं सीधे घूमने के लिए जा चुका था फतेह सागर और सहेलियों की बाड़ी, जिसका वीडियो मैंने शूट किया है। आज डे वन में मैंने ये दोनों वीडियो शूट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों वीडियो बहुत ही अच्छे लगेंगे। दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत थी। फतेह सागर में मैंने बोटिंग की है, बोटिंग का पूरा वीडियो मैंने शूट किया है। और सहेलियों की बाड़ी एक बहुत ही अच्छा गार्डन है जहाँ बहुत ही सीनिक ब्यूटी है, उसके भी वीडियो मैंने शूट किए है। डे वन में मैं इतना ही घूम पाया क्योंकि समय मेरे पास इतना ही था। और कल का जो मेरा प्लान है वो है सिटी पैलेस का और म्यूज़ियम का, पिछोला लेक का और लेक पैलेस, ये सब चीज़ें मैं देखने वाला हूँ। और साथ ही यहाँ के कुछ अच्छे उदयपुर में बहुत ही अच्छे कैफ़ेज़ हैं, तो कल कुछ बेस्ट कैफ़ेज़ में मैं विज़िट करने वाला हूँ और उनके वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि डे वन का आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डे टू के वीडियो में मैं क्या बनने वाला हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो इंतज़ार कीजिए डे टू के वीडियो के लिए, वो भी आपको बहुत 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 पसंद आने वाला है। गुड नाइट।